रिपोर्ट दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ आज हमारे जो सचिव हैं दीथा जी उनसे बात हुई थी उन्होंने यहाँ बुलाया फिर मीटिंग में शुरू में तो SP साहब थे फिर धीरे धीरे कलेक्टर साहब और बाकी अधिकारी आ गए मुख्यतः इस कोरोना के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें जो समस्याएं हैं उसको लेकर के बातचीत हुई हमारी एक मांग थी कि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो अधिकारियों के साथ और दूसरा जो कुछ हम कहें उसका नीचे एग्जीक्यूशन हो इसके बिना समस्या का समाधान हो नहीं सकता ये कागज़ों पे नीचे ऑर्डर तो देते हैं लेकिन नीचे एग्जीक्यूशन नहीं होता मैंने आज स्पष्ट कहा कि पिछले दो दिन से सरावगी मोहल्ला इमली मोहल्ला धोबी मोहल्ला ये जो पूरा एरिया है जिसे पिछले दो तीन दिन से दूध तक भी बच्चों को नहीं मिला और मुस्लिम मोची मोहल्ला में तो एक परिवार तड़फड़ा रहा है जिसके बाद मैंने फ़ोन किए मैंने मैसेज किए उस मैसेज का भी कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ वो लोग परेशान हो रहे हैं तो आप प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार पहुँचाओ इसी तरह अभी आपने बढ़ा दिया एरिया बढ़ाने से आपके नीचे मशीनें भी है नहीं तो हमने इनको ये दो मांग कही कि एक तो जितने एरियाज में कर्फ्यू है उस एरिया में सामग्री आप स्थानीय व्यक्ति को ही वहाँ पर चाहे वो राशन सामग्री हो चाहे सब्जी हो चाहे दूध हो स्थानीय व्यक्ति को ही वहाँ लगाएं और उसके साथ वहाँ के पार्षद को जोड़ें जिसके कारण से वो घर घर जानता है ये ऑफिशियली तो एक चक्कर लगा गया दूध किसको चाहिए क्या कि नहीं सुना नहीं सुना और दूध तो पहुँचा नहीं तो उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक करो और दूसरा पड़ाव में व्यापारियों ने बंद किया एक व्यापारी की दुकान भी चल गई तो अंदर उनको टुकड़ों टुकड़ों में आप आने दें ताकि जिसके कारण से वो सामान जो ख़राब हो रहा है उसको निकाल करके ले जाएँ इससे सहमति हुई कि SP साहब इस व्यवस्था को तुरंत करवाएंगे और आगे से इस प्रकार का एक दिन छोड़ के एक दिन हम जनप्रतिनिधि को बुलाएंगे और हम जो टेलीफोन करें बराबर टेलीफोन उठाएं रेस्पॉन्स दें और DSO साहब कई बार नहीं उठाते हैं कई बार ADM साहब नहीं होते हैं तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल नहीं सकती और चूंकि आपने बढ़ाया तो कर्फ्यू के एरिया के दौरान हर व्यक्ति को मिले आज ही सवेरे की घटना बताता हूँ हॉस्पिटल में आप रात को मुस्लिम मोची मोहल्ला से व्यक्ति को ले आए लियाना वहाँ था ले आने के बाद उसको रात के 9-10 बजे बाद सवेरे 8:30 बजे तक पानी तक नहीं मिला बेड तक नहीं मिला पूरा परिवार बैठा रहा जब उसने मेरे को सीधा फ़ोन किया उसके बाद मैंने कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया सुप्रेंट को भी फ़ोन किया तब जाकर जब नर्स से बात करी नर्स ने उसके पानी की व्यवस्था की इस प्रकार से तो लोगों में इरिटेशन आ रहा है तो इस प्रकार के कोरोना के बीमार हम राजनीति नहीं करना चाहते राजनीति तो दूसरे लोग कर रहे हैं जो मिल रहे हैं हम तो उनके भी लोगों को शामिल कर रहे हैं तो राजनीति ना हो साथ में हम जो कहें उसका एग्जीक्यूशन हो और हमारे साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन हो और जो कुछ तय करें उसको नीचे तय तो ये तय हुआ कि ये जो अधिकारी लगाएंगे वार्ड वाइज में जो ग्रुप बनेगा उस सब की जानकारी पेपर में भी देंगे हमें भी देंगे और जनप्रतिनिधियों का साथ लगातार संवाद करें कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों द्वारा जो शेल्टर होम बनाया गया क्षेत्र उसको लेकर भी कहीं उसको लेकर के भी हमने नाराजगी प्रकट की कि आपको हम पिछले 10 दिन से मैं बराबर कह रहा हूँ अखबार में छप रहा है कि आप कायड़ विश्राम स्थली लो कलेक्टर साहब कह रहे थे नहीं हो सकता लेकिन अब कैसे हो गया अब वहाँ पर 450 कायड़ में इन्होंने बेड बना लिए उसके बाद MDS यूनिवर्सिटी है संस्कृत विद्यालय जो शहर के दूर दूर लॉ कॉलेज है उनको इन्होंने कहा हम लेंगे साथ में एक वर्ग के स्कूल जिनको एक को भी नहीं लिया तो हमने कहा कि आप समान नीति रखो तो आज इन्होंने कहा कि हम दूसरे स्कूल भी ले रहे हैं तो पहले जो दूर दूर के स्थान हैं वहाँ पर आप ये क्वारंटाइन करो उसके बाद ही जगह बचती है तब आप कहीं आओ अब जो अविनाश विद्यालय में वहाँ अंदर लोग भी रहते हैं अब आपने उसको ले तो लिया जब साथ में इतनी कच्ची बस्तियाँ हैं इनका आधार पर नहीं हो सकता इसी तरह महावीर स्कूल को आ लिया इधर तो आप शहर के स्कूल तो बाद में जब हो जाए मजबूरी तब तो आप लो लेकिन पहले आपने शहर के तो स्कूल ले लिए और बाहर के बड़े बड़े स्कूल पता नहीं किसके प्रभाव से आपने छोड़ दिए तो हमने कहा ये आपका बटो नहीं होने देंगे कि जिसमें आपको जिसको चाहो उसको ले लें तुष्टिकरण या नहीं होना चाहिए अजमेर में जो कोरोना रेड अलर्ट हुआ है और कुछ जो कमी खामियाँ रही हैं जिसको हम समय रहते ठीक नहीं कर पाए थे उन सब चीज़ों पर हमारे जो सचिव हैं भवानी सिंह जी देथा जी उनके साथ में बैठक करके वो सब रिव्यू हुआ है SP साहब मौजूद थे और अजमेर के जिलाधीश महोदय भी उपस्थित थे और ये सब बातें हुई हैं अब आने वाले समय में कैसे लोगों को व्यवस्थित किया जा सके लोग लॉकडाउन का पालन करें इसलिए उन तक सारी चीज़ें पहुंच सके कर्फ्यू क्षेत्र में कैसे चीज़ें पहुंचाई जा सके लोगों को कैसे खाद्य सामग्री दी जा सके दूध की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा सके
इन सब चीज़ों को लेकर के बात हुई है और आने वाला समय में प्रशासन जो है वो इस सबको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की उन्होंने बात कही है कि इन सब चीज़ों को हम दुरुस्त करेंगे और आगे किसी प्रकार की इस लॉकडाउन में आम जन को परेशानी नहीं होने देंगे, ये आश्वासन उन्होंने आज हमें यहाँ दिया है।